नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं, आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या लंपी वायरस की है। इस वायरस की वजह से काफ़ी तादाद में गायों की मौत राजस्थान में हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पशुपालन पर आधारित प्रदेश की जीडीपी नीचे आने के साथ साथ प्रदेश के कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, जो कि गोपालन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे थे। हमारे देश और प्रदेश में कोरोना संकट ने न केवल आम आदमी का जीना दूभर कर दिया, अपितु आर्थिक रूप से भी पटरी विहीन कर दिया। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कर कोरोना महामारी से हमारे प्रदेश और देश ने निजात पाई और विकास की राह में हम सभी बढ़ने लगे, तो लंपी वायरस के रूप में पशुओं में हो रहे संक्रमण ने आम आदमी में दहशत पैदा कर दी। लंपी वायरस विशेष रूप से गायों में फैलता जा रहा है। संक्रमित पशु खुले में घूम रहे हैं, इससे दूसरे पशुओं में भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। नगर निगम की टीमें शिकायत दर्ज होने के 2 दिन बाद तक नहीं पहुंच पा रही, इससे लोगों में आक्रोश है। कुछ लोग पालतू जानवरों को संक्रमित होने की वजह से खुले में छोड़ देते हैं, इस कारण संक्रमित पशुओं की संख्या अनवरत बढ़ रही है। प्रदेश की प्रमुख गौशालाएं जैसे जालौर की पथमेड़ा गौशाला हो या फिर जयपुर की हिंगोनिया गौशाला, यहां हजारों की तादाद में गायें मर चुकी हैं। दूसरी ओर जोधपुर जिले के हालात तो प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां सड़कों पर और यत्र तत्र जंगल में मरी हुई गायें दृश्य की भयावहता बता रही हैं। क्या कहते हैं इस समस्या को लेकर विभिन्न गौ भक्त? सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए इस तरफ। गाय हमारी माता है, गाय से हमें दुनिया भर के फायदे मिलते हैं, घी दूध वगैरह। इस तरफ गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो बीमारी फैल रही है और चीज़ों राजनीति न कर करके यहाँ इस तरफ ध्यान दें और जो भी उचित उपाय हो, दवाई है, इंजेक्शन है, वैक्सीन है, इसके लिए जो उचित उपाय हो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए और इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। यही मेरा निवेदन भी है गवर्नमेंट से और गहलोत साहब से भी कि आप और चीज़ों में ध्यान देते हैं लेकिन इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए और ध्यान दे के इस चीज़ को प्रायोरिटी पर लेकर के काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। गाय हमारी माता है, हमें इसकी दुर्दशा हो रही है उस पर बहुत चिंता की स्थिति है। उसको ध्यान में रखते हुए सभी को गौ माता के लिए प्रयास करना चाहिए, गौ माता के बचाव के लिए, और हमें एकजुट होकर गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। जो ये बीमारी चल रही है इसके बारे में सरकार को और हमें सोचना चाहिए और सबको प्रयास करना चाहिए गौ माता को बचाने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को गायों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो भी अपने सामाजिक संगठन वगैरह हैं उनको भी थोड़ा गाय के ऊपर ध्यान देना चाहिए और गाय की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। बस मेरी ये इच्छा है कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे और बढ़िया रहे, इस रोग से मुक्ति मिले, भगवान उनको इस रोग से दूर करे। मेरा मानना है कि सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए और जितने भी सामाजिक संगठन बने हैं वो इस लंपी वायरस को लेके इसके विषय में सोचना चाहिए। इनको जो भी दवाइयाँ बनी है वो देनी चाहिए, जैसे आयुर्वेद में बहुत सारे उपचार हैं, बाकी सरकार को इसके विशेष कदम उठाने चाहिए। समय पे इसका टीकाकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से गाय का महत्व हमारे संस्कृति में दिया गया है उस हिसाब से मेरे को मानना है कि भाई गाय के लिए जितना जल्दी हो सके इसका टीकाकरण होए और बाकी मेरी ओर से जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए हैं उनको इनके लिए विशेष उपचार करवाना चाहिए। आज गौ माता की जितनी दुर्दशा है ना वो मेरे हिसाब से बहुत कम देखी गई है, तो गाय हमारी इस बार संस्कृति के हिसाब से बहुत ऊंचा दर्जा है, इसका विशेष महत्व भी है। इस बीच प्रदेश की सरकार भी अपने पशु चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के माध्यम से गायों की सुरक्षा के लिए विशेष छिड़काव और दवाइयां प्रदान कर रही है, लेकिन मोटे मोटे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में अब तक हजारों गायें काल का शिकार हो चुकी हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में कई समाजसेवी संस्थाएं भी गायों को बचाने में आगे आईं, जो कि गायों पर स्प्रे छिड़ककर और टीके लगवाने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। कई समाजसेवी संस्थाएं गायों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ हवन भी कर रही हैं। क्या कहते हैं राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवाड़ी इस बीमारी के बारे में? देखिए, गायों में
जो ये प्रकोप है 4-5 प्रांतों में, प्रमुख रूप से राजस्थान है, और राजस्थान के भी 2 डिवीज़न जोधपुर और बीकानेर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और जयपुर और शेखावाटी प्रभावित है, और एक तरह से पूरा राजस्थान प्रभावित है। 1,00,000 से अधिक गोधन का मर चुकी हैं, उनको दफनाने तक की व्यवस्था नहीं है। लंपी एक गायों में फैलने वाला चर्म रोग है, जिसके आधार पर उनके चमड़ी पर मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं, और ये संक्रामक बीमारी है, एक गाय से दूसरी बीमारी गाय को फैलती है, और इस प्रकार इसके कई नुकसान हैं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो धन शब्द है, ये धन शब्द आया ही गाय के कारण से है, धेनु से धन शब्द बना है, और उसके बाद में हर चीज़ के आगे धन लगाने लगा, तो हमारे मुख्य धन गाय को ही माना गया है, और वो गाय मुख्य धन इसलिए है कि आज किसान 3 प्रकार से इससे पीड़ित हैं। पहले तो मरते हुए गायों को देखकर वो व्याकुल है, दूसरा दूध की कमी हो गई है, दूध संकलन की कमी हो गई है, दूध का उत्पादन कम हो गया है, और तीसरा सरकार इसकी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मेरी तो ये मांग है कि राजस्थान सरकार इसको महामारी घोषित करे, और महामारी घोषित कर महामारी के अंतर्गत जो कदम उठाए जाते हैं वो कदम उठाए जाए। भारत सरकार ने इसका एक स्वदेशी टीका विकसित किया है, वो टीका राज्य सरकार तुरंत मंगाएं और बाकी सारी गायों को लगाएं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय का जो वातावरण और वायुमंडल है उसके हिसाब से टीकाकरण करना उतना ही आवश्यक है पशुओं के लिए जितना टीकाकरण मनुष्यों के लिए है। इसलिए लंपी बीमारी का तो तात्कालिक उपाय किया जाए, और संपूर्ण पशुओं के टीकाकरण का कार्यक्रम राज्य सरकार घोषित करे, क्योंकि इसका केवल इतना ही नुकसान नहीं है, धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है, लोग देखकर वो व्याकुल भी होते हैं, दूध का उत्पादन कम हो रहा है, और दूध में बीमारी आ रही है। अब वायुमंडल इस प्रकार बदला कि पहले गायें खुले में चरती थी और धूप में रहती थी, इस कारण से वो बीमारियों का असर कम होता था, अब खुले में चरना बंद हो गया है। अब ज़्यादातर गायें गौशाला में हैं और घरों में है या खेतों में भी है तो बंद हैं, तो इस कारण से ये बीमारी और भी ज़्यादा फैल रही है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहले जो चारा था वो चारा में ये यूरिया जैसे तत्व नहीं आते थे, अब गायों का मुख्य चारा और आहार जो है वो गेहूं का और जो का चारा जो है वो खास उसका आहार बन गया है, और वो सारा उत्पादन जो है पेस्टिसाइड्स के आधार पर और यूरिया के आधार पर होता है, तो उस चारे में भी उसका अंश जाता है, इसलिए वो अंश जाने से बीमारी का और खतरा होता है। इन सब बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने बहुत गफलत की है, और राज्य सरकार को तुरंत इसको महामारी घोषित करना चाहिए और टीकाकरण कार्यक्रम घोषित किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना जो डेयरी का उद्योग है वो डेयरी का उद्योग पशुपालकों पर निर्भर करता है, उसके अलावा जो मिठाई का उद्योग है या अन्य प्रकार के मावे का उद्योग है, छेने का उद्योग है, देसी घी का उद्योग है, उससे उत्पन्न होने वाले चीज़ों का है, वो सारे दुग्ध के उत्पादन पर निर्भर करता है, और दुग्ध का उत्पादन पशुपालक करते हैं। अब वो दुग्ध की सप्लाई कम हो रही है तो सारी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है, पशुपालकों पर तो विशेष रूप से पड़ रहा है, लेकिन पशुपालकों के सहारे जो रुपये दूध लेकर काम करते थे उन पर भी पड़ रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था पर भी संकट आएगा। इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार इसको महामारी घोषित कर इसके कैंप लगाए, कैंप लगाकर इसका काम शुरू करें और गोधन को बचाने काम करें। कुछ अपने परंपरागत साधन भी हैं,
हल्दी का पानी में मिलाकर पिलाना, उसके वो सारे के सारे करना, वो काम भी लोग कर रहे हैं, उसको भी सरकार में ध्यान दे और दोनों कामों को मिलाकर इसका समाधान करें। श्री तिवाड़ी ने भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली मदद और सहयोग के बारे में बताते हुए पशुपालकों को यूं बयां किया। दिल्ली में जो इसके मंत्री हैं रूपाला जी, वो यहाँ आ चुके, आकर राज्य सरकार से मीटिंग कर चुके और राज्य सरकार को कह चुके कि भारत सरकार जो भी सहायता आप चाहेंगे वो देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी कोई सहायता मांगी नहीं है, न राज्य सरकार ने अपना कार्यक्रम घोषित किया उनको बचाने का। भारत सरकार ने टीका भी निकाला है और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है, तो सरकार टीका मंगाए और सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करे। पशुपालकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने पशुओं को बचाने के लिए जो देसी तरीके हैं, उन देसी तरीकों का प्रिवेंटिव तरीके हैं, उन सब तरीकों को काम में लें और वो अपने, वैसे भी वो अपने प्राणों से प्यारे इन पशुओं को मानते हैं, तो गौ माता को बचाने के लिए वो जितना कर सकते हैं उतना करें और देसी तरीकों का जब तक सरकारी साधन नहीं मिलते हैं देसी तरीकों से उनको बचाने का प्रयत्न करें। लंपी वायरस की वजह से पशुधन हानि हुई और इस हानि की वजह से 100 करोड़ का राजस्थान में नुकसान हुआ। लंबी संक्रमण ने किसानों और पशुपालकों की कमर तोड़ दी। प्रदेश की जीडीपी दर पर भी बड़ा असर पड़ेगा। प्रदेश की 12 लाख करोड़ की जीडीपी में 10% योगदान पशुधन का है। कई परिवारों की रोजी रोटी गौ पालन पर चलती थी। गायों के मरने से प्रदेश के हजारों परिवारों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। क्या कहते हैं पिंजरापोल गौशाला से जुड़े गौ भक्त? यहाँ पिंजरापोल गौशाला में हूँ मैं और यहाँ कोई लंपी की बीमारी नहीं है और करीबन 2700 के आसपास यहाँ जानवर हैं और पूरे स्वस्थ हैं। 2-3 डॉक्टर लगे हुए हैं, 2-3 कंपाउंडर लगे हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना गायों को गुड़ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। मेरा कहना यह समझ लो कि अब सरकार को लंपी वायरस के हिसाब से कुछ ध्यान देना चाहिए, उसके लिए रस्सी बनानी चाहिए या दवा उसके लिए कुछ करना चाहिए। गायों की जो मौत हो रही है ये बहुत दुखद है, हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत ही बड़ा वो एक तरह का अभिशाप है कि गायों को जो है टाइम पर दवाई नहीं मिलती है, जबकि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में इतनी गायों की मौत हो रही है, ये बहुत दुखद की घटना है। इसलिए गाय की जो है रक्षा करना हमारा हिंदुत्व का धर्म बनता है और सरकार का सबसे पहला धर्म ये बनता है कि गाय की रक्षा करे। गऊ के रक्षा के ऊपर जो है इतना ध्यान नहीं देने पर जो है बहुत दुखद की बात है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। गाय हमारी माता है, इसको माता के रूप में पूजा जाता है, तो इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए गाय में उत्पन्न हो रहे रोगों के खिलाफ सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। गाय को बहुत महत्व दिया गया है इस भारत की संस्कृति में। गाय माँ के द्वारा, गायों को माँ माना जाता है, गाय के दूध दही सब खाया जाता है, सब मतलब बहुत विटामिन होता है, लेकिन आज गायों पे आपदा आ रही है, बीमारी आ रही है, ना कोई सरकार ध्यान दे रही है ना कोई संगठन ध्यान दे रहा है, लेकिन गायों पे ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि इसको बहुत माँ का दर्जा दिया जा रहा है। हिंदू संस्कृति में इसको पूजा भी जाता है गाय माता को, लेकिन आज कोई भी कहीं भी ध्यान नहीं दे रहा है। गाय कहाँ मर रही है, कहाँ जा रही है, कभी वो ये लंपिंग बीमारी हो गई, सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और भारत के जितने भी संगठन हैं सबको आगे बढ़ के आना चाहिए और गायों को बचाना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और गाय हमारी माता है और इस पर अगर अपन ध्यान नहीं दी ना गवर्नमेंट, तो दूध दही सब महंगे हो जाएंगे, गाय कम हो जाएगी, तो इससे क्या है कि एक तरीके से गरीब आदमी कहाँ से लाएगा दूध। इसके लिए आम आदमियों को सहयोग करके इन गायों की रक्षा करनी चाहिए और प्रशासन को भी इसके अंदर पूरा सहयोग करना चाहिए। कोरोना है जैसे इंसानों पर आई, वैसे जानवरों पर आई है, ये बहुत बड़ी आपदा है और इन्हें सरकार को बहुत हेल्प करनी चाहिए। फिलहाल पूरे स्टेट में राजस्थान में लंपी वायरस का कहर चल रहा है जिससे गोवंश के कारण मृत्यु हो रही है। हमारी संस्थान श्री पिंजरापोल गौशाला सांगानेर में हमने लंपी वायरस से बचाव के लिए गोवंश को नीम के पत्ते हल्दी आदि से स्नान आदि करवा रहे हैं ताकि लंपी वायरस का प्रभाव हमारे गोवंश पर नहीं पड़े। हमारे यहाँ गौशाला के अंदर लंपी वायरस नगण्य है और किसी तरह की कोई हमारे जनहानि नहीं हो रही है गोवंश की, और हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं कि गोवंश में किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो। हम समय समय पर गोवंश को रोग प्रतिरोधक टीकाकरण भी करवाते रहते हैं, जैसे हमारे
डॉक्टर साहब के आदेश होते हैं, उस हिसाब से हम दवाइयाँ वगैरह मैनेज कराते रहते हैं और हमारे यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ है। जिस तरह से प्रदेश के पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, यह न केवल हमारे लिए चिंता का विषय है अपितु बहुत बड़े संकट का कारण भी बन सकता है। आज प्रदेश में गौ माता के संक्रमित होने की वजह से दूध में कमी आने के साथ साथ दूध सेवन से मानव जाति को भी खतरा होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। ऐसे समय में आम आदमी को डॉक्टर की सलाह लेकर ही दूध का समुचित उपयोग करना चाहिए ताकि यह लंपी वायरस पशुओं के साथ मानव जाति को अपनी चपेट में नहीं ले ले। देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें पारिक अशोक 087@gmail.com 9829531521। BSL Suitings, excellence from the land of heritage.